चलो तो कल अपन ने मोशन देखा था क्या होता है ना। मोशन डिफाइन करने के लिए दो चीज डिफाइन करना पड़ता था, क्या है वो? टाइम, क्या और दूसरा? रिफरेंस फ्रेम या रिफरेंस पॉइंट, है ना। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी आपको मोशन या रेस्ट डिफाइन करना है आपको दो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, टाइम और रिफरेंस फ्रेम या रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, टाइम क्या है ये सबको मालूम है, समय है ना, और रिफरेंस फ्रेम या रिफरेंस पॉइंट क्या है, जहां से आप बैठ के टुकुर टुकुर मोशन को देख रहे हो उसको क्या बोलेंगे, रिफरेंस फ्रेम या रिफरेंस पॉइंट। बात समझ में आई? चलो तो अपन ने बहुत सारा चीज देखा था कि एक्चुअल में अपन जो भी चीज इस दुनिया में देख रहे हैं वो सारे की सारी क्या है, रिलेटिव। अपन हमेशा अपने हिसाब से बोलते हैं, जैसे मान लो आप ट्रेन के अंदर हो तो आप क्या बोलते हो, दिल्ली आने वाला है, सूरजपुर आने वाला है कि नहीं? अरे भाई सूरजपुर चल के थोड़ी आ रहा है, आप उसके तरफ जा रहे हो, लेकिन आप हमेशा अपने रेस्पेक्ट में बोलते हो, आपको तो ट्रेन रेस्ट पे दिख रही है अगर आप ट्रेन के अंदर हो, है ना, और आप अंदर बैठे रहोगे तो आपको तो ट्रेन ट्रेन के ऊपर की छत रेस्ट में दिखेगी, जमीन रेस्ट में दिखेगी, ट्रेन की सीट जो है वो रेस्ट पे दिख रही है, तो आपके हिसाब से तो ट्रेन क्या है, रेस्ट पे। आप बाहर देखोगे तो आपको बाहर पेड़ वेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, यस और नो? तो इस दुनिया में हर चीज जितने भी मोशन है सब रिलेटिव ही है, लेकिन अलग से रिलेटिव मोशन 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। ओके चलो, अब देखो जैसे कार चल रही है तो कार का बोनेट रेस्ट पे और बाकी सारी चीज मूव करते हुए अपन को दिखाई दे रही है। ठीक है, मेरे बारे में शॉर्ट, मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाया है, यहाँ सूरजपुर आने से पहले, है ना, IITJEE नीट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया करता था। अब यहाँ आने के बाद 9th 10th मैंने स्टार्ट किया सूरजपुर आने के बाद, है ना, उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 11th 12th के 11th 12th के बच्चे भी नहीं, सिर्फ IITJEE और नीट के बच्चों को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता था मैं। ओके चलो, तो क्लास 9th की फेस टू फेस क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर ये 100% फ्री है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स दिसंबर से पहले पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, और ऑफलाइन डिटेल के बारे में मैं आपको सारा चीज बता चुका हूँ। उससे ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7066883000, ये नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मोशन और रेस्ट डिफाइन किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के रेस्पेक्ट में और रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो अपन उसको क्या बोलते थे, मोशन, अदरवाइज रेस्ट। ठीक है, फिर ज्ञान की बातें अपन ने बताई थी कुछ, कि कई बार मोशन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि आप देख करके इमिडिएटली तुरंत नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। ठीक है, ये बस ऐसे ही है आपके कुछ जिज्ञासा को शांत करने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट नहीं करना है, नोट यही करना था, ये डेफिनेशंस आई होप आपने कल करी होगी, है ना। फिर अपन ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ पूछना पड़े कितना, क्या पूछना पड़े, वो होती है स्केलर, और जिनमें पूछना पड़े कितना और कहाँ वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स आपके क्या हो गए, समय, लेट हो तुम, कितना पूछोगे, ये नहीं पूछोगे कहां लेट हो, है ना, समय, लेट हो आप, टाइम, मास, केजी में, है ना, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स अगर आप ले लो वेक्टर क्वांटिटी की है, तो जो आप जानते हो अभी तक वो क्या है, फोर्स, बाकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ ही लिए थे, डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस डिस्टेंस लिखना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन ने देखा था, दोनों क्या बताते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बताते हैं, दूरी, क्या बताते हैं, दूरी, क्या बताते हैं, दूरी। बस अंतर क्या है कि डिस्टेंस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं बताता, वो टोटल बताता है आपने कितना चला, और डिस्प्लेसमेंट बताता है आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चला। तो मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई थी, हाँ बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस, हाँ कल रटाया था ना, नोट्स भी लिखवाया था, हाँ बोलो, हाँ, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, गुड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट्स व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच की जो सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी दूरी है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपने एक्चुअल में ट्रेवल किया ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था, पहला तो डेफिनेशन था कि जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों, एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि जब अपन डिस्टेंस बोलेंगे कि भैया यहां से अंबिकापुर की डायरेक्शन कितनी है, तो अपन बोल देंगे भैया 40 किलोमीटर, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई।
बट अगर आप बोलोगे एयर डिस्टेंस, तो जब आपको एयर डिस्टेंस बतानी है, एयर डिस्टेंस मतलब हवा से, हवा में डिस्टेंस, तो फिर आप बोलोगे एयर डिस्टेंस तो 40 से कम ही होगा ना। अरे एक्चुअल में आप इतना घूम फिर के गए, डायरेक्ट एयर यहां से डायरेक्ट उड़ के जाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, तो एयर डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब उसमें क्या बताओगे, 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, जो भी बताना है 30 किलोमीटर। फिर आप बताओगे 20 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 20 डिग्री या कितना, डायरेक्शन भी बताओगे ना, तो वो क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, कितना भी है कि कितना चला और कहां चला, डायरेक्शन भी है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं। अगर आप अपने घर से गाड़ी निकाले हो तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, हो सकता है, हाथ नीचे, है ना, ठीक है। महाभारत रामायण नहीं सुनने आया हूं यहां पर, मैं भगवत गीता नहीं सुना रहा हूं, आराम से हट गया, हाँ अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप चला है, अगर आप मूव किए हो तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं। हो सकता है नहीं। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता है, पहली बार में चौथी बार में बोलते हो तो इससे सब कोई, हाँ। और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस, कब, जब आप स्टार्टिंग जहां से किए हो वहीं पर एंड करो, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे आप अपने घर से बाइक निकाले और पूरा सूरजपुर हांड के वापस अपने घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, ठीक है। फिर दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। इसको जनरली आप डिफरेंस में नहीं लिख सकते, है ना, सिमिलैरिटी में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको बोला है बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ, तो आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर। फिर डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो वेस्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बात समझ में आई। अगर मैंने वेस्ट को पॉजिटिव माना तो ईस्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, अपोजिट, उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। और अपन यहां पर खाली बात करने वाले हैं मोशन इन वन लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अपन खाली दो ही डायरेक्शन की बात करेंगे, एक एक जो आप बता रहे हो और एक उसकी उल्टी, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप देखोगे तो आप हमेशा कह सकते हो क्या कि जो डिस्टेंस है वो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या था, सबसे छोटा रास्ता था, तो ऑब्वियसली वो तो डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर हो सकता है, कोई एक केस में बराबर हो सकता है, बताओ कब, सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा, एनीवन, अरे बोलो ना, फूटो ना मुझसे कुछ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझ गए क्या है, एक्चुअल में जो आपने रास्ता ट्रेवल किया वो डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली यह बात है कि जनरली आप यहां से अगर कहीं जा रहे हो तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम, एयर डिस्टेंस कम होगी, बट दोनों बराबर भी तो हो सकता है, कब, जब बॉडी कैसा मोशन करे, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मोशन हो सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, तो वो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। खाली स्ट्रेट लाइन बोलने से काम नहीं चलता है, और कुछ सोचो, स्ट्रेट लाइन इज अ गुड आंसर, देना चाहिए था, इतना क्यों नहीं दे पा रहे थे कि अगर अगर ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। लेकिन एक और चीज ऐड करना है, स्ट्रेट लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन तो बोलना ही है कि जब ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है, एक स्ट्रेट, अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम गया, देखो मान लो ऐसे गोल घूम गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है तो पक्का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, बराबर नहीं हो सकता। लेकिन बराबर होने के लिए स्ट्रेट लाइन में भी चले और सेम डायरेक्शन में चले, जैसे मान लो यहां से गाड़ी चालू किया, स्ट्रेट लाइन में गया, वापस स्ट्रेट लाइन में, तो पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन में बोलोगे, ए से बी, फिर बी से सी, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो खाली इतना है और डिस्टेंस ज्यादा, बराबर है क्या दोनों, अरे डिस्टेंस कितना कहोगे, ए से बी और फिर बी से सी, पूरा दूरी है, और ऑब्वियस सी बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये लंबा है कि खाली ये लंबा है, बराबर है क्या दोनों, ए से सी खाली ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ये है डिस्टेंस, दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो खाली मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा, क्या बोलना पड़ेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, पलटी नहीं मारना चाहिए। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट खाली यहां से ए से सिर्फ बी में गया, पलटी नहीं मारा, तो डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, तो इक्वल होंगे, बात समझ में आई। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन,
पलटे ही नहीं मारना चाहिए, हिंदी में मत लिख के आ जाना, पलटी नहीं मारना चाहिए एग्जाम में, है ना। When is distance equal to displacement? When object travel in a straight line and in same direction. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। अदरवाइज क्या होगा, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो कल लिख लिए थे पूरा, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, तो वेन ऑब्जेक्ट बॉडी मूव्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन। लिखो, नोट करो, वेन इज डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख सकते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, और उसका आंसर है ये। जल्दी से फास्ट आगे बढ़ना है, 10 मिनट हो भी गए रिकॉर्डिंग के, कुछ नहीं पढ़े, 10 मिनट में रिवाइज ही किए हैं पुराना बस। चलो 50 मिनट 40 मिनट और पढ़ते हैं अच्छे से अभी। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, सवाल है सबके लिए, है ना। सवाल के लिए दूसरा कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी जो बोला हूं, थ्योरी इसमें खाली है, जो पतली सी कॉपी बोला हूं बनाने के लिए उसमें सिर्फ थ्योरी लिखोगे, ठीक है। सवाल जितने भी गोदागादी करने वाला है सब दूसरी कॉपी में, वो रफ कॉपी कैसी भी बना सकते हो, है ना, ये उस टाइप की भी बना सकते हो, जो नहीं आती एकदम रीयूज पेपर की बनी हुई आती है रफ कॉपी वो, क्योंकि वो काम नहीं आएगी, काम आएगी ये फेयर कॉपी जो भी नोट्स के लिए बनाने बोला हूं पतली वाली, है ना। और कल बना लेना, बता दे रहा हूं, है ना। हाँ, ऐसे कोई पतली कॉपी बना लो बस, जैसे ये है, है ना। इसमें खाली थ्योरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, डेरिवेशन डेफिनेशन सारी वो लेकर रखेंगे, और बाकी क्वेश्चंस करने के लिए कोई भी रफ कॉपी उठा लेना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आपको समय मिलेगा। कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब फॉन्ट बड़ा है, छोटा कर दूंगा अगली बार। अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर towards east, then 4 meter towards north, and then 2 meter towards west. तो total distance और displacement बताना है। दिमाग लगाओ जल्दी से दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। East, west, north, south पता है ना? मेरे को बताओ, अगर ये east है ये west, तो north कैसा होगा? याद रखना हमेशा, अगर east आपके सामने वाला है तो left वाला north होगा, right वाला साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ। वेस्ट तो पीछे होगा ईस्ट के, सामने ईस्ट है तो पीछे वेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ के लिए कंफ्यूजन होता है कि ये की ये, तो याद रखना लेफ्ट वाला नॉर्थ, राइट वाला साउथ। तो बनाओ क्वेश्चन को, घूरने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में बना के करो ना, रफ कॉपी है ना, गोदो। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस तो क्या है, टोटल जो चला 5 मीटर फिर 4 मीटर फिर 2 मीटर, तो डिस्टेंस 11। इसमें क्या सोच रहे थे इतना, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना यहाँ चला फिर यहाँ फिर यहाँ, तो अच्छा ये शॉर्टकट रास्ता, तो कितना होगा, मैथ्स लगाओगे, करो दिमाग लगाओ, गोदो ना, रफ कॉपी है, गोदो, पेज की कंजूसी नहीं करनी है किसी को।
हुआ, दिमाग लगाया, डायग्राम बनाया, कुछ ना कुछ बनाओ, इधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया, बनाया डायग्राम, क्या बनाए हो तुम, वो ट्रायंगल बनाए हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे के बीच में 90 डिग्री होगा, मैं ईस्ट गया, कोई भी दो डायरेक्शन जो है भैया, ये ईस्ट और साउथ के बीच में कितना है 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में कितना है 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो भाई ऐसा डायग्राम कैसे बन सकता है, ये ऐसा राइट टर्न लिया फिर काटा उसको दूसरा, तुरंत दूसरा बनाओ, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं बन सकता, इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं बन सकता, हमारे लेवल का क्वेश्चन है, क्यों नहीं बन सकता, सोचो अपने आप को, दिमाग लगाओ, मैथ्स ही तो लगेगा, क्या लगेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, सोचो क्या क्या आता है, नाइन तक क्या क्या पढ़े हो मैथ्स में, डिस्टेंस पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो कुछ, पाइथागोरस थ्योरम वही तो लगेगा, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, अब है ना, पहले तो ये बना लो कॉपी में, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, अब आपको क्या बोला, 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है भैया, 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, फिर कहां गया, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इधर है, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है भैया, फिर उसके बाद कितना गया, 2 मीटर वेस्ट की तरफ, 2 मीटर वेस्ट की तरफ, तो अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा, होगा क्या, अब ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 4, तो ये भी कितना होगा 4, टोटल 5 था, 5 में उधर गया और 2 वापस आ गया, 2 वापस आ गया तो कितना बचा 3, ये 3 और ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 4 4 16 3 3 9 का अंडर रूट 5, 25 का अंडर रूट 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, क्या था, क्यों नहीं बनना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, डर को हटाना था, गोदना था, ये सोच करके कि भाई चलो अटेम्प्ट ही तो करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं, पता नहीं ICSE के बच्चों से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, बट अब मैं रखना छोड़ दिया हूं, ये पता नहीं मेरे को ही सारे ऐसे मिलते हैं, हर 4 साल हो गया, हर साल सबसे गधे बच्चे मेरे को ना ICSE के ही मिलते हैं, क्यों, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो घर में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक पेपर बोला था लिख के दिखाना, कहां है लिखे हो, गुड हैंडराइटिंग में, कब एग्जाम खत्म, तो परसों से मेरे को रोज एक पेज चाहिए, और किसी की हैंडराइटिंग दिखाओ, तुम्हारी हैंडराइटिंग, फिर भी ठीक है बाकियों की, ठीक है बस एक तुमको रोज एक पेज लिख के दिखाना है मेरे को, है ना, मार्क्स कट जाएंगे बता रहा हूं बोर्ड में टेंथ में, तो ये जिस तरीके से तुम लिखते हो ना, सही भी लिख के आओगे तो भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा इतने कचड़े में, चलो भैया ये फार्मर है एक दिख रहा है सबको, उसका स्क्वायर खेत है ना, जिसका साइड कितना है 10 मीटर, इनिशियल यहां से चालू किया वो, और स्पीड कितने तेजी से चला 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में कितना चल रहा था 1 मीटर, हर एक सेकंड में 1 मीटर, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना वो चलेगा 1 मिनट 40 सेकंड में, हर एक सेकंड में कितना चल रहा है 1 मिनट, हर एक सेकंड में कितना चल रहा है 1 मीटर, तो आपको ये बताना है 1 मिनट 40 सेकंड में टोटल कितना चलेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये 10 मीटर है ना, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मिनट चल रहा है, तो 10 मीटर यहां से यहां आने में कितना चलेगा 10 सेकंड, यहां से यहां आने 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड ऐसे, तो 1 मिनट 40 सेकंड में वो कहां रहेगा, देखो और कितना चक्कर काटा, टोटल डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट करो, कैलकुलेट करो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है ये, पूरे 9th से भी एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है, डर तो निकाल के फेंक दो बाहर, कल से डर बाहर रख के आना क्लासरूम के, नहीं सीखने देता ये डर क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डर जाओगे तो हो गया, फिर तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा पाओगे, इसमें बल्कि लिखा गया इनिशियल और फाइनल तो भी नहीं लिखना था, अभी आप सोच रहे हैं, हाँ 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 40 सेकंड मतलब 100 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 100 सेकंड में कितना चलेगा 100 मीटर, तो डिस्टेंस तो इजी, डिस्टेंस बहुत इजी है, समझ में आ गया क्या,
तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 100 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में तो अगर यहां से चालू किया तो एंड कहां करेगा, ये सोचना है। गलत, करो कुछ, 10 मीटर हवा में आंसर दे रहे हो। डिस्प्लेसमेंट जल्दी से, देखो इधर टोटल 100 सेकेंड है, यस और नो? एक राउंड मारने में कितना सेकंड लग रहा है, 40 सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 40 मीटर चलाने के लिए कितना समय लगेगा, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में एक राउंड मारा, फिर 40 सेकेंड मतलब 80 सेकेंड में दो राउंड हो जाएंगे, फिर 40 सेकेंड, फिर तो 40 सेकेंड बचे ही नहीं, कितने बचे उसके बाद, 20 सेकेंड, मतलब दो राउंड मार लिया, 80 सेकेंड में दो राउंड मार लिया, अब 20 सेकेंड बचे, तो 10 सेकेंड में यहां, 10 सेकेंड में यहां, तो फाइनल यहां पर पहुंचेगा। वो तो यहां पहले से लिखा हुआ था, नहीं तो आपको दिमाग लगाना था, स्टार्ट यहां से किया और एंड यहां पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये 10 और ये 10, पाइथागोरस हम लगाओ, 10 10 100, 10 10 100, 100 प्लस 100, अंडर रूट 200, मतलब 10 रूट 2, 2 × 100 लिख सकता हूं, 100 का अंडर रूट 10 बाहर, अरे अंडर रूट 200 करना आता है कि नहीं, नाइन्थ के बच्चे हो ना सब, अंडर रूट 200 का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 × 100, 100 का अंडर रूट कितना होगा, 10, 10 10 से 100 होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, 10 रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आंसर, 10 रूट 2, 10 बोल बोल के चिल्ला रहे हो तुम, डायग्राम बनाते तो समझ में आ जाता, तुम तो डायग्राम भी बनाई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लाइन खींचे बीच वाला, फिर निकाले क्यों नहीं उसकी वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं आता क्या, अरे आता है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता लगाना है, तो बोलना था ना पाइथागोरस थ्योरम पिछले क्वेश्चन में ही, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे क्या होती है, लिख लो पाइथागोरस थ्योरम फेयर कॉपी में, पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, तुम उसी में कर रहे हो, तुम भी कॉपी नहीं बनाए हो, तो कहां है कॉपी, ये तो और भी बड़ी मिस्टेक है, पढ़ाई चालू कर दो, मैं बता रहा हूं,
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भैया 9th क्लास में हो, पाइथागोरस थ्योरम मत बोलना किसी के सामने कि नहीं आता है, अब लिख लो। और मैं कुछ बोल रहा हूं तो रिस्पॉन्स करो, ऐसे मूर्ति जैसे बैठे रहोगे ना मैं बैच बंद कर दूंगा कल से। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने आए हो ना यहाँ पर कि खाली मेरे को दान दक्षिणा देने आए हो 1000 रुपए में? ना पढ़ने आए हो ना? नहीं पढ़ोगे मैं बैच बंद कर दूंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेक्स्ट क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो ताकि बार बार एक चैप्टर को आपको 10 बार ना पढ़ना पड़े। हाँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को भले दोबारा पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए अगली बार जितने करने हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन रखो, है ना। और बेसिक चीजें अगर नहीं आती हैं तो ठीक है, डांट खा लो लेकिन पूछ लो। और पहली बार में ही पूछना होगा, पहली बार में पूछते तो इतना गुस्सा नहीं करता। पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था ना पाइथागोरस थ्योरम, क्यों नहीं पूछे कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? क्यों नहीं पूछे? पता था इन तुम दोनों को ही नहीं पता था। बस जो चीज नहीं पता है तुरंत पूछना, भले डांट खा लेना। समझ में आया? डांट से नहीं डरना है। मारता तो मैं वैसे भी नहीं हूं, मजाक में आशीर्वाद दे देता हूं, अलग है। हाँ ठीक है, तो पूछना है। कुछ भी अगर नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत पूछोगे, ठीक है, नहीं तो आगे का कुछ नहीं चमकेगा। और बाकी डेफिनेशन डेरिवेशन जो भी लिखवा रहा हूं अगले दिन याद होनी चाहिए, ठीक है। भले ही नहीं बोल रहा हूं कि मैं एज इट इज डॉट 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 याद करना है, बट एक्चुअल में जैसे डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस बोलते थे। इतना तो याद रख सकते हो अगले दिन, और वो याद रहेगा, बिना घर में पढ़े भी याद रहेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन पूरा क्लास में दोगे तो। पूरा फोकस क्लास में है ना, पूरा ध्यान क्लास में। बस चलो, अब नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दूरी बताते थे, वैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों रफ्तार बताते हैं। दोनों क्या बताते हैं? ठीक है, रफ्तार सिंगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। दोनों रफ्तार बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है या धीरे। अब अंतर क्या है सर? स्पीड भी रफ्तार बताता है, वेलोसिटी भी रफ्तार बताता है। स्पीड जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बताता, वो बस बताता है आपकी रफ्तार कितनी है। और वेलोसिटी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में आपको बताएगा कि इस डायरेक्शन में आपकी रफ्तार कितनी है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, दोनों दूरी बताते थे, लेकिन जो डिस्टेंस था वो किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो था वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता था। सेम वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी, अगर आपकी रफ्तार, अगर आप बोलो कि टोटल रफ्तार कितनी है, कोई डायरेक्शन ना बोलो, तो उसको क्या बोलोगे? स्पीड। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप अपनी रफ्तार की बात करोगे तो उसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी। बस ये अंतर है, ठीक है। तो दोनों क्या मेजर करते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट कोई भी फास्ट चल रहा है या स्लो। इसको मेजर करने के लिए अपन ने क्वांटिटी बनाई है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपको साफ समझ में आ रहा है दोनों में से स्केलर कौन? स्पीड, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यही बोला ना। तो दोनों में से स्केलर कौन? 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 और वेक्टर कौन? वेक्टर कौन? बस ठीक है, याद रखना। अब दोनों का, अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि भाई ये दो लोग हैं, ये दरोगा साहब दिख रहे हैं, है ना, वो कोई चोर लग रहा है, ठीक है। दो लोग हैं, दोनों को दूरी ट्रैवल करनी है, एक ने 12 मीटर ट्रैवल करी, एक ने 10 मीटर, दोनों को समय कितना लगा? 2 सेकेंड, 25 सेकेंड, 2 सेकेंड है वो, ठीक है, 2 सेकेंड है ना। तो दोनों को कितना लगा? 2 सेकेंड। तो बताओ रफ्तार किसकी ज्यादा? अरे 2 सेकंड में ये 12 मीटर चला और ये 2 सेकंड में कितना चला? 10। तो किसकी रफ्तार ज्यादा? नीचे वाले की। तो यहां पर दूरी बराबर थी, समय बराबर था, तो आपने बता दिया तुरंत, यस और नो। अब दूसरा केस देखो, यहां पर दोनों ने 10 मीटर चला, दोनों ने 10 मीटर, इसने भी 10 मीटर, इसने भी 10 मीटर, एक को कितना लगा? 2 सेकंड, और एक को कितना लगा? 3 सेकंड। तो बताओ रफ्तार किसकी ज्यादा? ऊपर, क्योंकि उसने कम देर में सेम दूरी को ट्रैवल किया। तो देखो अंतर क्या है, पहले वाले में समय बराबर था तो भी आपने तुरंत देख के बता दिया कि अगर समय बराबर है तो जो ज्यादा जल्दी ज्यादा दूर तक चला उसकी रफ्तार ज्यादा। जब दोनों की दूरी बराबर थी तो आपने बोला जिसका समय कम लगा उसकी रफ्तार ज्यादा। लेकिन जब दोनों केस अलग हो, जैसे देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड में 20 मीटर चला, 7 सेकंड में 28 मीटर चला, तो अब आप तुरंत देखते के साथ बता पाओगे क्या? नहीं, आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे अच्छा 4 सेकंड में इतना चला तो 1 सेकंड में कितना चला निकाल लेते हैं, 7 सेकंड में इतना चला तो 1 सेकंड में कितना चला निकाल लेते हैं। और वही जो आप निकाल रहे हो उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। कि 1 यूनिट टाइम में
वन यूनिट टाइम क्या है? वन सेकेंड है. वन यूनिट टाइम क्या है? मतलब टाइम का एक यूनिट. और ऐसा यूनिट क्या है? टाइम का सेकेंड. तो अपन ने क्या डिफाइन किया? वन यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कि वन सेकेंड में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो स्पीड, और वन सेकेंड में ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो वेलोसिटी. बात समझ में आई? तो अब देखो इसमें आप क्या निकालोगे कि 20 मीटर में चला 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? दोनों को डिवाइड करोगे, 5 मीटर चला. अब ये 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली जा रहा है क्या? 5 पॉइंट समथिंग आएगा. तो अब आप बोल दोगे अच्छा 1 की 5 और 1 की 5 से ज्यादा, तो रफ्तार किसकी ज्यादा हुई? दरोगा साहब की, है ना? ठीक है. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? टोटल जितना दूरी उसने ट्रेवल किया किसी ने भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कर रहे हो. मान लो 20 मीटर चला 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? डिवाइड करना पड़ रहा है, तो वही डिस्टेंस बाय टाइम. इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? स्पीड. और डिस्टेंस की जगह अगर मैं लेता डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये क्या होता? वेलोसिटी. याद रहेगा दोनों रफ्तार बताते हैं, स्पीड और वेलोसिटी. रुक जाओ भैया, बोलूंगा लिखने के लिए. स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या बताते हैं? रफ्तार बताते हैं, है ना? कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है या धीरे. बस अंतर यह है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रफ्तार बताती है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. याद रहेगा पक्का? तो अपन ने क्या किया? एक सेकेंड में जितना चला दैट इज स्पीड, तो अपन ने डिवाइड कर दिया. कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे ना, बचपन में किया हो ना, सिक्स्थ क्लास से. ये यूनिटरी मेथड सिक्स्थ क्लास में था पहली बार. चार पेंसिल इतने की, तो बताओ 10 पेंसिल कितने की? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है. तो स्पीड क्या डिफाइंड है? डिस्टेंस बाई टाइम. और वेलोसिटी क्या डिफाइंड है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. अब देखो डिस्टेंस को किसमें नापते हैं? मीटर में. और टाइम को? टाइम को. तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हुई? क्या हुई? आज के बाद अगर ये भूले तो पनिशमेंट देना बनता है कि नहीं? बनता है, कल पूछेंगे. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें नापेंगे? मीटर में. टाइम को सेकंड में. तो दोनों की स्पीड और वेलोसिटी आखिर है तो सेम चीज बता रहे हैं ना, तो यूनिट भी क्या होगा? सेम. तो दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब एक बात बताओ, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, तो स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी. बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या स्पीड नेगेटिव या जीरो हो सकता है? नहीं. लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है. देखो जैसा डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, वैसा ही डिफरेंस किसका है? स्पीड और वेलोसिटी. तो भैया लिख लेते हैं, ये भाई साहब फिर आ गए यहां पर, है ना? चलो पूरा प्रॉपर डिफरेंस बना के नहीं लिखाऊंगा मैं, नहीं लिखाऊंगा. चलो यहीं पर लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब वन यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड, वेयर एज द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द स्पीड इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी. ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी. इसको काट देना, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. इसको ये देखो, ये डेफिनेशन हो गई स्पीड की और वेलोसिटी की. डेफिनेशन हो गई, फिर एक मेन डिफरेंस क्या है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. वो देखो भैया वहां पर कोई कुछ बोल रहा है, लाइक कमेंट एंड शेयर ऑनलाइन वालों के लिए एंड सब्सक्राइब. काट दिया ना, लिख लिए. नोट्स बनाते जाना, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन. याद रखना नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कल को सारी चीजें रिवाइज कराने के लिए नोट्स ही काम आएंगे, और खुद के बनाए हुए नोट्स, दूसरे के नोट्स कुछ काम नहीं आएंगे, सोचो कि दूसरे का जेरोक्स करा लेंगे। वाह 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 वाह, पैसे वेस्ट। हो गया नेक्स्ट। अच्छा ये डाल दिए थे इसका हेडिंग में स्पीड एंड वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी सेम होगी है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये रहा स्पेलिंग, देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे में इंस्टेंटेनियस, उधर 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 दिया, हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो जो डेफिनेशन है वो लिखो, फिर समझा रहा हूं जल्दी से। और कल कॉपी बन जानी चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, बाद में तुम हो लिया लिख लिया उसको। हाँ अब इधर देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जैसे अगर मैं बोलूं मान लो मैं यहां से अंबिकापुर गया, टोटल दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और मान लो मैं बोला कि मेरे को 40 मिनट लगे है ना, 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना देर लगा, 40 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 40, और टोटल टाइम कितना लगा 40 मिनट, मतलब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60, तो टाइम कितना लगा 40/60 आवर्स, ये किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो गई किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस बाय टाइम 40/40/60, तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड था मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 40 ने 40 को मार दिया तो 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है, एवरेज, क्योंकि मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जब मैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर रहा हूं तो कितना है एवरेज 60। बट अब बताओ अगर मैं यहां से अंबिकापुर जा रहा हूं तो पूरे रास्ते क्या मेरी गाड़ी की स्पीड 60 थी एग्जैक्टली, कभी हाईवे में भागी भी होगी खाली रोड में, और शहर पहुंचते के साथ एकदम स्लो भी हो गई होगी, पांच रुक भी गई होगी, ब्रेक भी मरा होगा, है कि नहीं, तो गाड़ी की रफ्तार चेंज हो रही थी, जीरो से लेकर के 60-80 तक गई होगी, 100 भी गई होगी, बट जो अभी आपने स्पीड निकाला ये क्या बता रहा है, एवरेज, क्या बता रहा है एवरेज, कि भैया लगभग आपकी एवरेज रफ्तार यहां से अंबिकापुर जाने में कितनी थी 60 किलोमीटर पर आर। बात समझ में आई, लेकिन जरूरी थोड़ी कि यही स्पीड आपकी गाड़ी की हमेशा हो, तो पर्टिकुलर टाइम में मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया उसके एग्जैक्टली 10 सेकंड बाद गाड़ी की क्या रफ्तार है, वो तो कम ज्यादा हो सकती है ना, है ना, तो पर्टिकुलर टाइम में 10 सेकंड बाद क्या रफ्तार है, 5 मिनट बाद क्या रफ्तार है, 12 मिनट बाद क्या रफ्तार है गाड़ी की, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम में एकदम एक पर्टिकुलर टाइम में जब आप स्पीड की बात करो तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको कई बार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो क्या अंतर, अब वो कौन बताएगा, गाड़ी का स्पीडोमीटर, गाड़ी में आगे देखे हो एक रहता है जो ऐसे बताता है स्पीड बताता है, देखे हो, तो क्या स्पीड बता रहा है, जिस समय आप उसको देखोगे उस समय जो गाड़ी की रफ्तार है वही बताएगा,
ऐसा थोड़ी पहले आप बात की बताएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप जिस समय देख रहे हो उस समय गाड़ी की जो रफ्तार है वो एग्जैक्टली वो रफ्तार बताएगा। तो इसीलिए जो गाड़ी का स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको, जो सामने रहता है ना, जो स्पीड बताता है, जो इस तरीके का दिखाई देता है, देखो ये इस टाइप का अलग अलग टाइप का दिखाई देता है, एक एग्जांपल यहाँ पर है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछते हैं स्पीडोमीटर क्या है, तो एक डिवाइस है जो क्या बताता है, मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करता है? वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहा, समझ में आया, कि आपका टोटल इतना दूर इतना 60, वो नहीं कर रहा, वो इंस्टेंटेनियस कर रहा है। अगर आप यहां से अंबिकापुर जाके रुक जाओगे तो जीरो बताएगा वो, है ना, क्योंकि गाड़ी तो रुक गई ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो रफ्तार है वो बताता है, और जो पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो रफ्तार होती है उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई? डेफिनेशन लिख लिए हो, है ना। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन बताता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बस डेफिनेशन ही लिखना था। हाँ, नीचे लिख लो नोट करके, स्पीडोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। नोट करके लिख लेना, NOT... हेलो, हेलो, ओ ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज, एवरेज क्या बताता है? ओवरऑल मोशन के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, बस अब अंतर क्या है इंस्टेंटेनियस में, कि इंस्टेंटेनियस में जब आप स्पीड और वेलोसिटी बोलोगे तो दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अपन इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटे समय की बात कर रहे हैं, 0.00001 सेकंड, इतने कम सेकंड में पार्टिकल टर्न ले सकता है? नहीं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती हैं? बराबर। लेकिन क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकती है? नहीं। अब मान लो मैं यहां से अंबिकापुर गया, तो डिस्टेंस कितना था? 40, और टाइम कितना लगा? 40 मिनट। तो स्पीड कितनी आई? 60 किलोमीटर पर आवर। बट जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी, तो दूरी तो कम हो जाएगी, समय तो उतना ही लगा। अरे अंबिकापुर पहुंचने में समय तो उतना ही लगा ना, 40 मिनट। बट अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट लोगे, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कम है, तो वेलोसिटी और ये अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इनका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? सेम।
है ना, बस अलग वैल्यू सेम आएगी इन दोनों की, है तो अलग ही, स्पीड तो स्पीड है, वेलोसिटी डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आया, बट इन दोनों की वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम, और यहां पर इन दोनों की आपकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? क्यों समझ में आया? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, समय तो उतना ही है, तो इसलिए ये अलग रहेंगे। ये नोट डाउन कर लो पूरा, चलो फिर उसके बाद आप लोगों की छुट्टी में नीचे जाके आ रहा हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एड्यूमेंशन की क्लासेज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।